तो आज का हमारा टॉपिक है विनेशन, लीफ विनेशन। लीफ विनेशन में हम देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ, लीफ के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है वेन का और वेनलेट्स का, इस प्रोसेस को ही हम विनेशन कहते हैं। व्हाट इज लीफ विनेशन? कभी आए क्वेश्चंस तो आप अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लमीना और एपिपोडियम, दिस इज कॉल्ड विनेशन। यानी लमीना में, लमीना या एपिपोडियम के अंदर जो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं। अब बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स में दिया गया है अरेंजमेंट। पहला अरेंजमेंट दिया गया है इसका टाइप पैरेलल विनेशन है और रेटिकुलेट विनेशन है। तो जो रेटिकुलेट विनेशन है इसमें हम देखेंगे एक नेटवर्क फॉर्म ऑफ वेन या वेनलेट्स का स्ट्रक्चर इसमें होता है, और जो पैरेलल है वो एक दूसरे के पैरेलल वेन चलते हैं, या लेटरल या प्रिंसिपल वेन जो होते हैं, मिड वेन होते हैं, मिड रिब होता है, वो एक दूसरे के पैरेलल ही चलता है। तो हम देखेंगे एक एक करके समझेंगे कि कितने टाइप के हैं। तो दो बेसिकली टाइप हैं वो, ठीक है। पहले हम विनेशन देखेंगे। विनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लमीना, दिस इज कॉल्ड विनेशन। टू टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट जो है रेटिकुलेट विनेशन एंड सेकेंड पैरेलल विनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे रेटिकुलेट विनेशन है क्या। रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन में हम देखेंगे कि द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म अ नेटवर्क। द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। ये कहाँ जनरली पाया जाता है? डाइकॉट में। जनरली किस में होता है? डाइकॉट में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में डाइकॉट के देखा गया है, पीपल में, हिबिस्कस में, लूफा में, ये सारे के सारे डाइकॉट हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, कोलोकेशिया मोनोकॉट होने के बावजूद भी इसमें रेटिकुलेट विनेशन दिखाई दे रहा है। रेटिकुलेट विनेशन एक्सेप्शन में मोनोकॉट विद रेटिकुलेट विनेशन कोलोकेशिया, ये इसमें होता है रेटिकुलेट विनेशन, एंड ये मोनोकॉट होता है। जनरली किस में होते हैं? डाइकॉट में। एक्सेप्शनली मोनोकॉट में कौन है? कोलोकेशिया। कौन सा विनेशन? रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप के हैं। कौन से? यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट क्या होता है वो देखेंगे, जरा हम समझेंगे, ठीक है। तो यूनिकोस्टेट में सिर्फ एक ही मिडरिब होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में फाइकस रिलीजियोसा, यानी पीपल के बात कर रहे हैं हम, कॉमन नेम यहाँ पे पीपल चल रहा है, पीपल का लीफ की बात कर रहे हैं, ओके। इसमें आपने देखा होगा लीफ कुछ इस तरह का होता है, पीपल का लीफ आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, और इसमें एक ही मिडरिब होगा, यहाँ से ऐसे एक मिडरिब होगा जो बिल्कुल यहाँ पे गया होगा, ओनली वन मिडरिब है। लेकिन इसके बाद इसमें वेन एंड वेलनेट्स है। क्या हैं? वेनलेट्स हैं, आपके समझ में आने चाहिए ये, वेन एंड वेनलेट्स हैं, ठीक है। वेन एंड वेनलेट्स इसमें है, तो ये कौन है? मेन वेन है, या इसको कह सकते हो मेन वेन या मिडरिब, मिड रिब इसे हम कहते हैं। लेटरल वेन, लेटरल वेन, ओके। तो ये पूरा का पूरा क्या है? लमीना। यहां से यहां तक ये पूरा, इसको लमीना कहते हैं, लमीना, ओके। तो हमने देखा ये पीपल का एग्जांपल है, पीपल है, फाइकस रिलिजियोसा की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो मेन मेन वेन होता है एक ही होता है, सिर्फ एक ही है मेन वेन, सिर्फ ओनली वन ये वाला, ओके। बाकी सारे लेटरल वेन है या वेनलेट्स कह सकते हैं आप, ठीक है, वेनलेट्स, वेनलेट्स। अब हम देखेंगे कि यूनिकोस्टेट मतलब एक ही, यूनि मतलब वन, यूनि मतलब वन मिडरिब। लेकिन मल्टी कोस्टेट का मतलब मेनी मिडरिब, मल्टी मतलब मेनी और कोस्टेट मतलब मिडरिब यहाँ पे। तो अगर मेनी मिडरिब है, अगर मल्टी कोस्टेट तो मेनी मिडरिब है, तो उसके बिहाफ पे ये दो टाइप के हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट।
कन्वर्जेंट क्या कहते हैं, कैसे होते हैं देखना है हमको, कन्वर्जेंट में एंड डाइवर्जेंट में हमें देखना होगा। तो कन्वर्जेंट में स्माइलेक्स और जिजिफस है, ये एक स्ट्रक्चर है लीफ का इस तरह का कुछ, ये स्माइलेक्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक मिड्रिप ये हुआ, दूसरा मिड्रिप ये, तीसरा मिड्रिप, तीन, ये चार, इस तरह से करके ये मिड्रिप होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे, तो ये तो हो गया मिड्रिप, मेन मेन वेन, मेन वेन। लेकिन ये हो गया प्रिंसिपल वेन, कौन सा, प्रिंसिपल वेन, ओके प्रिंसिपल वेन। हम इस साइड लिखते हैं ताकि इसका भी डायग्राम यहाँ बनाना है, तो इस साइड में ये कौन है, मेन वेन है, मेन वेन, दैट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वेन, ओके। हम बात करेंगे यहाँ पे इसका, जिजिफस का, स्माइलेक्स का आंसर है, मेन वेन हो गया, इसमें बहुत सारे वेनलेट्स भी हैं, इसमें ऐसे ऐसे रेटिकुलेट निकले हुए हैं इसमें से, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी, हमें मिड्रिप देखना है, प्रिंसिपल वेन कन्वर्ज टूवर्ड्स द अपेक्स, जितने भी वेन निकल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, अपेक्स साइड में, ये क्या कौन सा रीजन है, अपेक्स, यानी मिड्रिप यहाँ से निकल के कहाँ से, यानी लैमिना के बेस से, पेटियोल जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से बेस से निकल के जो मिड्रिप है वो सब अपेक्स में आके मिल रहे हैं, कहाँ पे, अपेक्स में, और बहुत सारे मिड्रिप है, यहाँ पे एक ही मिड्रिप है जो अपेक्स में मिल रहा है, ओनली वन मिड्रिप और अपेक्स तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस यहाँ से निकल के एक मिड्रिप अपेक्स तक, दूसरा मिड्रिप, तीसरा मिड्रिप, ऐसे बहुत सारे मिड्रिप हैं जो अपेक्स पे जाके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल है इस तरह का, स्माइलेक्स में और जिजिफस प्लांट, स्माइलेक्स एंड जिजिफस प्लांट, ओके। अब होगा कि प्रिंसिपल, नेक्स्ट वाला डाइवर्जेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल वेन टूवर्ड्स मार्जिन लूफा एंड कैस्टर, यानी जो हमारे मेन है, मिड मेन वेन है, वो सब मार्जिन अपेक्स की तरफ नहीं जाएंगे, मार्जिन की तरफ जाएंगे, आपको समझना होगा ये डायग्राम देख करके। ये आपका डायग्राम है लीफ का, ये सिंपल लीफ ही है, देखो यहाँ से एक एक मेन यहाँ से निकला, एक तो यहाँ पे आया, ये भी मिड्रिप है एक, दूसरा मिड्रिप यहाँ है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ और पांचवा, कितने में सारे मिड्रिप हो गए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मिड्रिप हो गए, लेकिन पाँच मिड्रिप ये पाँचों एक जगह नहीं जा रहे अपेक्स पे, वो मार्जिन पे जा रहे हैं, ये मार्जिन एरिया है, ये कौन सा एरिया है, मार्जिन है, तो मार्जिन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कैस्टर और लूफा, कैस्टर और लूफा ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो मेन वेन जो होती हैं या मिड्रिप होती हैं वो मार्जिन्स पे जाती हैं। अगर कोई लीफ के अंदर अगर सारे के सारे एपेक्स पे आकर के मिड्रिप मिलते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट विलेशन कहते हैं, अगर मार्जिन पे मिलते हैं आकर के बहुत सारे मिड्रिप उनको हम डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट विलेशन कहते हैं। जो मल्टीकोस्टेट विनेशन है उनमें बहुत सारे मिड्रिप होते हैं और वो इट इज अ पार्ट ऑफ रेटिकुलेट विनेशंस के। रेटिकुलेशन बेसिकली कितने टाइप्स के थे, दो टाइप के, यूनिकोस्टेट, क्यों, क्योंकि एक ही मिड्रिप है और अपेक्स पे जाके अटैच होता है, और दूसरा टाइप है मल्टीकोस्टेट, उसमें दो टाइप के हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो जो कन्वर्जेंट है उसमें सारे के सारे जो प्रिंसिपल वेन है वो अपेक्स पे आके मिलते हैं, लेकिन जो डाइवर्जेंट है वो डाइवर्ट होकर के वो मार्जिन पे जाके मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या है, मिड्रिप है। तो जैसा कि हमने देखा इस रेटिकुलेट विनेशन, हम सेकेंड देखेंगे पैरेलल विनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल विनेशन, अभी हमने क्या किया, इससे पहले जस्ट किया रेटिकुलेट विनेशन, इसमें ये पैरेलल विनेशन। तो पैरेलल विनेशन में क्या होता है, जो वेन होते हैं या प्रिंसिपल वेन है या मिड वेन या वेनलेट्स हैं वो पैरेलली चलते हैं, चाहे मार्जिन की तरफ जाएं या अपेक्स की तरफ जाएं। अपेक्स रीजन आपको पता है, किसी भी लीफ का, कोई भी लीफ है तो ये उसका अपेक्स रीजन होता है, ये अपेक्स है, अपेक्स, और ये वाला साइड जो है पूरा क्या, पूरा ये मार्जिन होता है, क्या होता है, मार्जिन, मार्जिन। तो अगर कोई भी ऐसे जा सकता है तो ये किधर जा रहा है, ये अपेक्स की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से पैरेलली अपेक्स की तरफ जा रहा है, इस तरह से पैरेलल अपेक्स की तरफ, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर यही कैसे जाए, इस तरह से यहाँ ऐसे ऐसे इस साइड से मार्जिन की तरफ आए तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिन की तरफ वाला और अपेक्स की तरफ, ये दोनों ही टाइप पैरेलल विनेशन, बस पैरेलल हो, एक दूसरे का कहीं क्रॉस ना करें, कहीं टच ना करें। तो जैसे देखना है कि द विनेशन वेयर
the veins are parallel. The veins are parallel to each other within the lamina. Lamina के अंदर parallel ही चलते हैं. जैसे example में हम देखें, तो एक मैं diagram बना रहा हूँ, आपको देखना चाहिए, ठीक है? ओके, देखो, ये हुआ. अब इसमें एक मिडरिब है और इसमें पैरेलली ऐसे पैरेलल एक दूसरे, ये सब वेन जो है सब पैरेलल है, ये सब पैरेलल है इस तरह से. ये इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है. चाहिए मार्जिन की तरफ जा रहे हैं, किधर? मार्जिन की. ये सब मार्जिन है, ये एरिया मार्जिन का है, मार्जिन. तो जो ये वेन है, जो ये वेन है, जो वेन है लेटरल वेन है, ये आपका मिडरिब है, प्रिंसिपल वेन है. ये जो वेन है मार्जिन की तरफ जा रहा है, ये अपेक्स रीजन इधर है, ये तो मार्जिन रीजन है, ये भी मार्जिन है, ठीक है? तो इस तरह से करके ये मार्जिन के रीजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये हम कहेंगे इसको पैरेलल वेनेशन है, लेकिन ये मार्जिन की तरफ जाने वाला है. ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया पैरेलल वेनेशन का. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ डायग्राम इस तरह से बने, ठीक है? इसमें जो प्रिंसिपल वेन है, जो मिडरिब है, जो प्रिंसिपल वेन है, वो सब के सब अपेक्स की तरफ जा रहे हैं. कहाँ पे जा रहे हैं? अपेक्स की तरफ जा रहे हैं, और पैरेलल ही जा रहे हैं. अपेक्स की तरफ कहाँ जा रहे हैं? पैरेलल जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है? अपेक्स की तरफ कहाँ जा रहे हैं? पैरेलल जा रहे हैं. इस तरह का स्ट्रक्चर है अगर किसी में, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये मिडरिब है मेन, एक एक बीच में वाला जो मान लेते हैं, ये मिडरिब, और ये प्रिंसिपल वेन है, प्रिंसिपल वेन, ठीक है? सेम इसमें ये है, ये मिडरिब है, मिडरिब, और ये सब वेन है, वेन. ओके, तो अभी भी ये अपेक्स की तरफ है, ये मार्जिन की तरफ है. हो सकता है मार्जिन किसी और तरह का भी बन सकता है, अब देखने के ऊपर है. जैसे अब सपोज करो, हम बात करेंगे फर्स्ट द विनेशन वेयर द वेन रन पैरेलली. जो वेन है अगर पैरेलली रन करे लेमिना के अंदर, उसे हम पैरेलल विनेशन कहते हैं. जनरली अगर इन मोनोकॉट, कहाँ होते हैं ये? मोनोकॉट में होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है. एग्जाम्पल में बनाना में, ग्रास में, बॉम्बू में, लिविस्टोनिया में, ओके? लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जैसे उसमें कोरिम्बियम था, इसमें कोरिम्बियम है, उसमें क्या था पता है आपको? ठीक है, वेरी गुड. उसमें क्या था? कोलोकेसिया. क्या था? कोलोकेसिया. तो एक्सेप्शन डाइकॉट विद पैरेलल विनेशन, लेकिन यहाँ पे डाइकॉट विद पैरेलल विनेशन एक्सेप्शन केस, क्योंकि ये जनरली कहाँ होते हैं? मोनोकॉट में. तो ये कोरिम्बियम है, इसमें पाया जाता है, ये मोनोकॉट के अंदर होते हैं, लेकिन ये डाइकॉट होते हुए भी इसमें पैरेलल विनेशन है. तो पूछा जाएगा कि एक्सेप्शन, पैरेलल विनेशन का एक्सेप्शन क्या है? तो कोरिम्बियम, और रेटिकुलेट का विनेशन क्या? कोलोकेसिया. ओके, हम बात करेंगे कि पैरेलल विनेशन भी दो तरह का होता है. पैरेलल विनेशन भी टू टाइप्स का होता है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट. कैना एक एग्जाम्पल है, कैना, उसमें सिंगल, या बनाना, कैना, इसमें बनाना भी आ जाएगा. सिंगल जो होते हैं, सिंगल क्या होता है? मिडरिब होता है, या प्रिंसिपल वेन पैरेलल प्रेजेंट एंड सेवरल लेटरल वेन रन पैरेलल. जैसे पहला वाला डायग्राम है, आप उसमें देखोगे तो इसमें पहला वाला डायग्राम आपको दिखाई देगा. जैसे बनाना का अगर हम देखें, तो कुछ इस तरह का उसका लीफ होता है बनाना का, ठीक है? तो इसमें मिडरिब कितने? एक ही तो होता है, प्रिंसिपल वेन होता है कि नहीं होता? ये हमारा प्रिंसिपल वेन हो गया, ठीक है? प्रिंसिपल वेन कह रहा है कि सिंगल प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट एंड सेवरल लेटरल, लेटरल एक देख रहे हैं, सेवरल लेटरल, ऐसे सेवरल लेटरल वेन प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया सेवरल लेटरल, तो ये प्रिंसिपल वेन, और ये लेटरल, प्रिंसिपल वेन, लेटरल वेन. तो आप कभी भी बनाना का अगर एग्जांपल आया, किसके अंदर आते हैं? यूनिकोस्टेट होते हैं. यूनिकोस्टेट में हमेशा एक ही मिडरिब या एक ही प्रिंसिपल वेन होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी. प्रिंसिपल वेन
या मिड रिब जो होता है वो सिर्फ एक होता है यूनिकोस्टेट में, लेकिन मल्टीकोस्टेट में प्रिंसिपल वेन बहुत सारे होते हैं। पीछे वाले हमने यही किया था। ओके, जैसे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कितने होते टाइप के होते हैं, कन्वर्जेंट टाइप का और डाइवर्जेंट टाइप का। प्रिंसिपल वेन टुवर्ड्स द अपेक्स, इसमें बम्बू में क्या होगा, प्रिंसिपल वेन टुवर्ड्स द अपेक्स, यानी अभी अपने बम्बू का डायग्राम, अभी पीछे भी डायग्राम बनाया था मैंने इसका, वो ये वाला जो बम्बू का ही डायग्राम है, ये इस तरह से है। तो ये अपेक्स तक, ये आपका प्रिंसिपल वेन, एक दो प्रिंसिपल वेन, तीन प्रिंसिपल वेन, चार पांच छह, ये सब क्या है, प्रिंसिपल वेन है। ओके, ये सब प्रिंसिपल प्रिंसिपल वेन, मिड्रिप एक होगा बस इसमें भी, मिड्रिप या प्रिंसिपल बहुत सारे होंगे इसमें, क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, ये कन्वर्जेंट ये मल्टीकोस्टेट है तो बहुत सारे प्रिंसिपल वेन है इसमें। ओके, अब हम बात करेंगे कि डाइवर्जेंट और क्या प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट टूवर्ड्स मार्जिन, ये किधर जा रहे हैं, अपेक्स साइड में, सबके सब किधर जा रहे हैं, अपेक्स, और ये प्रिंसिपल वेन सबके सब अपेक्स साइड में, सारे के सारे अपेक्स साइड में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके हो गए कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, वो इसका जो प्रिंसिपल वेन होगा कहाँ जाएगा, मार्जिन की तरफ आएगा। ये एग्जाम्पल नहीं है, आप एग्जाम्पल में डायग्राम देखो, सपोज करो ये एग्जाम्पल होगा इसका, अब इसका मिड्रिप जो इधर इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर मिड्रिप जाएगा, इसके अंदर प्रिंसिपल वेन जाएगा, इसके अंदर प्रिंसिपल वेन जाएगा, ऐसे। तो ये हो गया लिविस्टोनिया का एग्जाम्पल, लिविस्टोनिया, ठीक है। तो लिविस्टोनिया ये यहाँ तक थोड़ा सा डायग्राम और क्लियर बनाना पड़ेगा आपको, देखना है ऐसे। अब ये इसका मिड्रिप यहां से निकला, इधर चला गया प्रिंसिपल, इधर यहां से इसका प्रिंसिपल वेन इधर चला गया, इसका प्रिंसिपल वेन निकला और इधर, तो ये मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, ये भी, ये ठीक है, ये मार्जिन है सब, साइड साइड मार्जिन है। ओके, ये बस क्या हुआ है कि ये एकदम बिल्कुल पास में मत टच करना, ये सिंपल लीफ है, क्योंकि जो इसके मार्जिन है, जो मार्जिन है बिल्कुल कंप्लीटली ये मिड्रिप में टच नहीं है, कंप्लीटली मिड्रिप या प्रिंसिपल वेन में टच नहीं है, इसलिए वो सिंपल लीफ है। तो आपको ये बात क्लियर कट होगा कि जब प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट टूवर्ड्स मार्जिन, मार्जिन की तरफ जाता है तो हमारा डाइवर्जेंट कहलाता है, टूवर्ड्स अपेक्स जाता है तो कन्वर्जेंट कहलाता है। अब बहुत सारे प्रिंसिपल वेन होते हैं तो मल्टीकोस्टेट, और एक होता है प्रिंसिपल वेन तो यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल बनाना एंड कहना, कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है बम्बू एंड वीट, एंड डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है लिविस्टोनिया। अब हम बात करेंगे, ये क्लियरली आपको बात समझ में आ गया, नेक्स्ट बात करेंगे तो हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी में दो टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल पाल्मेट लीफ और सिंपल पिन्नेट लीफ। सेम कंपाउंड लीफ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। हम देखेंगे कि पहले व्हाट इज सिंपल लीफ, लेकिन इसके साथ इन दोनों के अलावा, सिंपल लीफ के अलावा और कंपाउंड लीफ के अलावा, हम जानते हैं कि फोलियर लीफ होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फोलियर स्कैली लीफ होता है, स्पोरोफिलस लीफ होते हैं, ठीक है, उन सबको देखेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी में जो दिया है उसके बारे में डिटेल जानते हैं कि सिंपल लीफ क्या होता है। तो सिंपल लीफ के बारे में हम जानेंगे, फर्स्ट ए सिंपल लीफ। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो लीफ का मार्जिन होता है वो इनसाइज नहीं होता। इनसाइज का मतलब होता है कि वो कहीं कटिंग नहीं होती उसकी, वो मिड्रिप पे आकर या पेटियोल पे आकर के अटैच नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होनी, समझनी चाहिए कि द लीफ इन विच सिंपल लीफ में हम देखेंगे कि सिंपल लीफ होता है क्या। एक्चुअली सिंपल लीफ के बारे में हम जानेंगे कि सिंपल लीफ उन सबको कह सकते हैं, जैसे सपोज करें कि एक लीफ है यहां पे इस तरह से, ठीक है, ये इसका मिड्रिप है,
ये इसका मिड्रिप है, ये मिड्रिप के बाद ये साइड वेन है, ये सब वेन है, ठीक है, ये वेन है, ये सिंपल लीफ है। लेकिन ये जो मार्जिन है, अगर ये मार्जिन क्या हो, आ करके ये कट करके इनसाइज हो करके, इनसाइज होकर के अगर इसमें मिड्रिप में मैच हो जाए, या मिड्रिप में या पिटियोल पे, या टिप ऑफ द पिटियोल, ये जो पिटियोल है, ये पूरा का पूरा पिटियोल जो है, इस पे आकर के अगर इनसाइज हो जाए तो भी ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सिंपल लीफ का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें सिंपल लीफ का, तो ये भी एक सिंपल लीफ का ही एग्जांपल है। ऐसे करके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिंपल लीफ के ही एग्जांपल होते हैं। रीज़न, क्योंकि ये कम्प्लीटली यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे ये इनसाइज, ये वाला जो इनसाइज हो रहा है, कटिंग हो रहा है, ये जो मार्जिन किनारा किनारा मार्जिन है, जो मार्जिन है वो कम्प्लीटली यहाँ आकर के टच नहीं हुआ, यहाँ पे आकर के टच नहीं हुआ, या इसके टिप पे टच नहीं है, ना ही यहाँ टच हुआ है पेटियोल के टिप पे। ये पेटियोल है, पेटियोल एपेक्स मार्जिन मिडरिब प्रिंसिपल वेन, ठीक है, साइड वेन या वेन। तो अगर ये मार्जिन है, आप इमेजिन करें कि ये ऐसे होगा कुछ, लेकिन ये थोड़ा डिप्रेशन होकर के, इनसाइज होकर के थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, कम्प्लीटली नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि आपको ये समझना है कि जब कम्प्लीटली नहीं हुआ है, जब तक मिडरिप पे टच नहीं होगा, जब तक इस मिडरिप पे टच नहीं होगा, तब तक ये आकर के कट होकर यहाँ ना टच हो, यहाँ ना, तब तक ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ये सिंपल ही कहलाएगा। ये भी सिंपल लीफ का एग्जांपल्स है। तो इस तरह से भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो जैसे हम बात करें, द लीफ इन विच द लीफ ब्लेड इन नॉट डिवाइड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ ब्लेड या एपिपोडियम या लेमिना अगर डिवाइड नहीं होता है, अपने किनारे से डिवाइड होकर के मिडरिप में नहीं टच होता है, अपने किनारे से डिवाइड होकर के पेटियोल पे नहीं टच होते हैं, तो वो सब के सब सिंपल लीफ में आते हैं। सिंपल लीफ वो सारे होते हैं जो पेटियोल पे टच नहीं होते और मिडरिप पे टच नहीं होते। जैसे द इंसीजन, इंसीजन का मतलब डिवाइड होना, इनसाइज होना या डिवाइड होना, कटिंग होना, कट होने लगना। द इंसीजन डिवाइड और डिवाइड डू नॉट टच मिडरिप, मिडरिप पे टच नहीं हो रहा, डू नॉट, और पेटियोल पे टच नहीं हो रहा, वो सब के सब सिंपल लीफ हैं। वेयर लीफ लमीना या एपिपोडियम या लीफ ब्लेड इंटायर, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो, लीफ लमीना जो हो वो कंप्लीट हो, उसमें कोई कटिंग नहीं हुई हो, कटिंग हुई भी हो थोड़ी बहुत लेकिन कंप्लीट ना हुई हो, सब सिंपल लीफ में आते हैं। जैसे सिंपल लीफ दो तरह के होते हैं, सिंपल पाल्मेट लीफ एंड सिंपल पिन्नेट लीफ, पिन्नेट लीफ होते हैं। तो सिंपल पाल्मेट लीफ क्या होता है, सिंपल पिन्नेट लीफ क्या होता है, when incision towards the petiole but not complete resinous or castor। इसको हम डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे हम resinous का देखते हैं, पहला ए का सिंपल palmate leaf, ठीक है, सिंपल palmate leaf का ए जो दिया हुआ है resinous है, resinous में एग्जाम्पल जो होगा वो आपको देखने लायक है। ये एक लीफ है, ये मिड्रिप है उसका, ये मिड्रिप है, यहाँ से लीफ गया, ये कुछ ऐसा था पहले लीफ, आपको अज्यूम करना है, आपको ये सिंपल लीफ को अज्यूम करना है कि ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक। लेकिन लिखा क्या है, व्हेन इनसाइज इज टुवर्ड्स द पेटियोल, यानी ये कुछ इनसाइज होकर के, ये ऐसे ऐसे इनसाइज होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पेटियोल की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ से इनसाइज होकर के ऐसे पिटियोल की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये इनसाइज होकर के, तो कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर मिले आपको देखने को, तो आप समझ जाना कि ये इस तरह का, जब इनसाइज होता है तो इसमें से जो साइड वे निकलते हैं इसके बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइज होकर कहाँ आना चाहते, ये जो मुड़ करके ये कट होकर के कहाँ आना चाहते थे, पेटियोल के पास आना चाहते थे, ये भी यहाँ पे कट लगाना चाहता था, ये भी, लेकिन कंप्लीटली कट नहीं लगा। तो वही लिखा हुआ कि व्हेन इंसीजन इज टुवर्ड्स द पेटियोल बट नॉट कंप्लीट, एग्जांपल रिसिनस और कैस्टर, पाम लाइक शेप, सिंपल पामेट लीफ, सिंपल पामेट लीफ। सेकंड डायग्राम इसी में, बी सेम डायग्राम इसी का,
कैस्टर का हम देखेंगे, तो कैस्टर में भी पॉमिनेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये उसका भी लीफ ऐसा ही है, अज्यूम करो आप इस तरह का, ठीक है, सिंपल लीफ का ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है काफी हद तक कट लग जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरह के हम दोबारा इसको बनाते हैं ऐसे फ्रेश करके एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या है, व्हेन सीजन टुवर्ड द पेटियोल, तो आपको यहां पे देखना है पॉमलेट लाइक है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बी है, ये कैस्टर का है, ये किसका था, रिसिनस का, रिसिनस, और ये किसका है, कैस्टर का। इसमें भी ये मिडरिब है, ठीक है, ये मिडरिब है, इस यहां ये पिटियोल है, ये पिटियोल पे आके टच होना चाहते थे, ये वाला पूरा कट यहां से, ये साइड वेन है, इसके अंदर गया हुआ है, ये यहां से कट होकर ये चाहते थे यहां तक आना, यानी वो चाहते कहां, मतलब चाहते क्या, मतलब वो कट होना, मतलब हो, आधा ही कट हुआ है, इन साइज जो हुआ है ये पूरा का पूरा कुछ इस तरह का होगा स्ट्रक्चर ये, लेकिन इन साइज होकर के ये कटिंग होकर के ये पूरा डिप्रेशन डाल करके ये कटिंग करने की कोशिश कहां कहां तक, पेटियोल तक, लेकिन कंप्लीटली हो नहीं पाया है, तो इसको सिंपल लीफ में रखे हैं हम, सिंपल लीफ ये भी है कैस्टर का, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल पिन्नेट लीफ, व्हेन इनसीजन इज टुवर्ड्स मिडरिब, ये मिडरिब की तरफ हो अगर, तो सपोज करिए एक लीफ है कोई इस तरह का, ठीक है, ऐसे ये कोई लीफ है, तो अगर इसका इंसीजन यहां होने लग जाए मिडरिब की तरफ, देखो ऐसे इंसीजन मिडरिब की तरफ होने लग जाए, इंसीजन मिडरिब की तरफ होने लग जाए, तो आपको रफनेस सटाइवस आपने देखा होगा, लेकिन कंप्लीटली हो ना ये कहां हुआ, यहां तक कंप्लीट गया नहीं, ये यहां जाना चाहता था, यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, मिडरिब पे टच नहीं हुआ है, कहीं पे मिडरिब पे टच नहीं हुआ, जब मिडरिब पे टच नहीं हुआ तो इस तरह के लीफ को हम कहते हैं रफनेस सटाइवस रेडिस का, रेडिस, ओके, मूली जो होता है रफनेस सटाइवस, यानी इसमें व्हेन इंसीजन इज टुवर्ड्स मिडरिब, टुवर्ड्स मिडरिब की तरफ जाते हैं, इसे सिंपल पिन्नेट बोलते हैं, ओके, टुवर्ड्स मिडरिब, ये आपका रेडिस हो गया, ये कैस्टर दो एग्जांपल्स, ये सिंपल लीफ के एग्जांपल होते हैं, तो सिंपल लीफ में जो मार्जिन होता है या तो वो पेटियोल की तरफ या तो मिडरिब की तरफ इनसाइज नहीं हुआ रहता है, तो उसे हम सिंपल लीफ, अगर इनसाइज हो जाता है वो किसी भी तरह शक्ल सूरत में हो, अगर वो किसी भी प्लांट का हो, अगर इनसाइज हुआ है, अगर वो मिडरिब पे या पेटियोल पे टच है, तो वो कंपाउंड लीफ कहलाता है। तो जैसा कि हम देखा हमने कि लीफ, सिंपल लीफ देखा, अब हम देखेंगे कंपाउंड लीफ, व्हाट इज कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में जो मार्जिन होता है या तो वो मिडरिब, मेनली मिडरिब की ही बात करते हैं कि मिडरिब पे आके वो टच होता है, जैसे हम समझेंगे कि होता क्या है, ये एक लीफ है, ठीक है, ये सिंपल लीफ है, ओके, ये क्या है, सिंपल लीफ है ना, सिंपल लीफ में ये इस तरह से है, सिंपल लीफ, ओके, है, लेकिन अगर किसी वजह से ये चेंजेस की वजह, अगर इसको कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट होना है कंपाउंड लीफ में, तो ये अगर सिंपल लीफ में ड्रिप को बस बनाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मार्जिन है, जो ये हमारा ये मार्जिन है, मार्जिन, और ये क्या है, मिडरिब है, मिडरिब, और ये क्या है, अपेक्स, और ये पेटियोल, ओके, तो ये इनसाइज होकर के ऐसे कट करके, इनसाइज कट होकर के ये मिडरिब में टच होने लग जाता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे, यानी जो है यहां से कटिंग डाउन होने लग जाता है इस तरह से, कटिंग डाउन, ठीक है, यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है ऐसे, इस तरह का, आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह ये कट, ये आकर के हम, ये पूरा मर्ज किनारा आकर के ऐसे टच हो जाता है, ये किनारा आकर के इसमें टच हो जाता है इस तरह से, इस तरह, तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिख बन रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसको क्लियरली एक बार समझना होगा आपको सही से, कि यहाँ पे एक ये क्या है, इसमें फिर ये वाला जो अब मिडरिब था, अब ये इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है, नाम चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीफलेट बन गए, ये लीफलेट है, एक क्या है लीफलेट, इसके अंदर आपको इस तरह से रचीला दिखेगा, और ये एक लीफलेट है, लीफलेट, ठीक है, ये सबको मिला के लीफलेट्स कहते हैं,
ये सिंपल लिप साइड है लेकिन ये कंपाउंड हुआ है क्योंकि इसका मार्जिन आकर के मिडरिप में टच गया, टच हो गया, ये मार्जिन साइड है वो आकर के इसमें ब्रोकन डाउन हो गए या डिवाइड हो गए या इनसाइज हो गए, परफेक्ट है इनसीजन होना, इनसाइज्ड होना। तो आपको समझना है कि मार्जिन जब मिडरिप में इनसाइज होता है तो ये लिफलेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम दोनों साइड में भी देखेंगे, तो यहाँ पर उस डायग्राम को कम्प्लीटली देखें, ये जो सिंपल लीव था तो वो कुछ इस तरह से इनसाइज होकर गया और क्या बना लिया, इनसाइज होकर के दोनों साइड का, ये भी लिफलेट जो साइड साइड था वो इनसाइज हो गया और क्या बनाया, ये बना दिया एक कंपाउंड लीफ। क्या बनाया, कंपाउंड लीफ। आपको समझ में आ रहा है, या हो सकता है कभी ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी रह सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो अब इस ये मिडरिप जो है, अब ये मिडरिप, ये जो पेटियोल रीजन है, ये तो पेटियोल है, ये पेटियोल है, पेटियोल, बट ये वाला क्यों क्या बोलेंगे, अब ये मिडरिप की जगह क्या कहलाएगा, मिडरिप ना कहला के क्या कहलाएगा, ये रैकिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैकिस। आपको ये ध्यान देना है, अब ये मिडरिप ना होकर के इसका नाम क्या चेंज हो गया, रैकिस। समझना आप बात को, अब ये सब एक लीफलेट, ये लीफलेट है, ये भी लीफलेट है, ये लीफलेट, ये सब लीफलेट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लीफलेट बन गए, एक लीफलेट रैक, ये रैकिस है, रैकिस के साथ लीफलेट जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, अगर देखा जाए इमेजिन करके देखो कुछ इस तरह का था ये, इन्होंने क्या किया, ब्रोकन डाउन इनटू, ब्रोकन करके या लमीना या इनसाइज होकर के वो सब मिडरिप में टच हो गए। तो उधर वाला लीफ जो है, ये वाला लीफ क्या है, कंपाउंड का एग्जांपल है, किसका, ये हाफ कंपाउंड है और हाफ ये वाला एरिया कंपाउंड का रीजन है और ये सिंपल लीफ का रीजन है। मैंने बताया कि ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे इनसाइज होकर के सिंपल लीफ ही कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट कैसे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड लीफ में क्या ध्यान देना होता है, ये लीफलेट है, लीफलेट्स। तो अगर कोई भी लीफ का मार्जिन मिडरिप पे टच हो जाए या पेटियोल पे टच हो जाए, जैसे कि एग्जांपल पेटियोल का भी ले लेते हैं हम, सपोज करिए कि ये एक कोई सिम यहाँ पे लीफ है ऐसे, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से हम देखना चाहिए था हमें, तो डॉटेड लाइन से देखते हैं, ये कोई लीफ है ऐसे करके, अगर ये इनसाइज होकर के, इनसाइज होकर के यहाँ पे एकदम बिल्कुल कहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे सेपरेटली, यहाँ पे टच हो रहे हैं सेपरेटली, यहाँ पे टच हो रहे हैं सेपरेटली, यहाँ पे और सेपरेटली यहाँ पे, मिडरिप पे नहीं, यानी ये जो इनसाइज होकर के कहाँ पे टच हुए, सब के सब पेटियोल पे, यानी इंडिविजुअली देखा जाए क्लियरली स्ट्रक्चर, तो ये पेटियोल का टिप है, यहाँ से एक ऐसे निकल के यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से निकल के इसी पेटियोल, सब इनसाइज कहाँ पे हुए, पेटियोल पे हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पेटियोल पे इनसाइज हो रहे हैं, यानी ये जो लीव था स्ट्रक्चर था वो पेटियोल पे इनसाइज हुए हैं। ये आपका पेटियोल टिप है, ये पेटियोल है, ये इसमें, ठीक है। तो ये दो तीन, आपको बताओ कि जो इनसाइज होकर के मार्जिन एरिया या तो पेटियोल या तो मिडरिप, मोस्टली केस में मिडरिप में देखा गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे पहले कि व्हाट इज कंपाउंड लीफ, द लीफ ब्लेड, या लीफ ब्लेड को आप मेजो एपिपोडियम या लेमिना कह सकते हैं, इनसाइज हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, इनसाइज्ड, इनसाइज का मतलब होता है कट हो जाए, डिवाइड हो जाए, ब्रोकन हो जाए इनटू मेनी लीफलेट में, किसमें बेटा, मेनी लीफलेट के अंदर अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ, जो इन, ठीक है, इनसीजन रीच द मिडरिप या पेटियोल टिप, या तो इनसीजन मिडरिप पे होता है या पेटियोल टिप पे होता है, बड इज प्रेजेंट एट एक्सिल ऑफ द पेटियोल, कहां पे बड प्रेजेंट होते हैं, एक्सिल ऑफ द पेटियोल, बट इट इज अब्सेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट, लेकिन सिंपल लीफ में वो प्रेजेंट होते हैं एक्सिल ऑफ लीफलेट में, वो, ठीक है, पेटियोल की बात ही नहीं होती वहां पे, ठीक है। टू टाइप्स पिनेटली कंपाउंड होते हैं जैसे उसमें भी थे, और इसमें पामेटी जैसे उसमें था, उसमें क्या, सिंपल पिनेटली कंपाउंड, सिंपल पामेटी कंपाउंड था, तो पामेटी, सॉरी, सिंपल पिनेटली लीफ और सिंपल पामेटली लीफ, इसमें क्या है, पिनेटली या कंपाउंड पिनेटली लीफ या पिनेटली कंपाउंड लीफ या पामेटली कंपाउंड लीफ या कंपाउंड पामेटली लीफ। आपको हमें समझना क्या है कि इसमें एग्जांपल क्या, नीम का, टच मी नॉट, छुई मुई, टच मी नॉट, या मिमोसा पुंदिका, ठीक है, कोरिएंडर, धनिया, कोतमरी, ओके, तो कोरिएंडर है, टच मी नॉट है, या नीम है,
ठीक है, टच मी नॉट, मिमोसा पुंडिका, नीम अजाडिका इंडिका, कोरिएंडर है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके कंपाउंड ऑफ लीव्स के हैं। कंपाउंड ऑफ लीव्स पिन्नेटली है और पामेटली है। तो पिन्नेटली बेसिकली यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट और इस तरह से करके कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स। तो हम देखेंगे आज जो हम कर रहे थे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, हमने इससे पहले देखा कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मार्जिन जब भी मिडरिप पे टच होता है और बहुत सारे लीफलेट बनाता है उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो बेसिकली उसी हिसाब से हम देखेंगे जब मिडरिप फॉर्म्स अ कॉमन एक्सिस, बहुत सारे लीफलेट बन गए उसके लिए कॉमन एक्सिस है। जो मिडरिप था पहले, मिडरिप अब एक कॉमन एक्सिस है लीफलेट का, क्योंकि मार्जिन आके अटैच हुआ, लीफलेट फॉर्म हुआ, अब उसको रैकिस कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम उसको रैकिस बोलेंगे। सपोज करिए कि ये एक, अज्यूम करिए कि इस तरह का लीफ था, वो आकर के कटिंग होकर के ऐसे ऐसे लीफ बनाया। ये पहले मिडरिप था, इमेजिन करिए ये पहले ये मिडरिप था लेकिन अब ये रैकिस है क्योंकि ये लीफलेट बन गया। इनके लिए लीफलेट का ये एक लीफलेट, दो लीफलेट, तीन, चार, इसके एक कॉमन, ये रैकिस कहलाता है। ओके, तो रैकिस का समझ में आ गया। नंबर ऑफ लीफलेट, जो नंबर ऑफ लीफलेट है, ये 1, 2 इस तरह से ऐसे लीफलेट प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे लीफलेट प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है? रैकिस पे। लीफलेट कहाँ प्रेजेंट है? रैकिस पे। रैकिस पहले क्या हुआ करता था? सिंपल लीफ में मिडरिप हुआ करता था। कंपाउंड लीफ में क्या हो गया? रैकिस हो गया वो। ओके, तो ये दो पॉइंट हो गए। टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स होता है पिन्नेटली कंपाउंड के कई टाइप्स हैं, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट। आपको समझना है यूनिपिन्नेट क्या है। अगर आपने यूनिपिन्नेट समझ लिया तो बाकी के बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यूनिपिन्नेट में मीन्स वन टाइम इन सीजन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है वन टाइम इन सीजन, इसका ये मतलब है कि जब पहली बार इन सीजन होती है, फर्स्ट टाइम किसी भी लीव का फर्स्ट इन सीजन। समझाने के लिए आपको आपको समझना होगा कि ये अगर सपोज करिए कोई लीफ है, फर्स्ट टाइम इन सीजन हुआ है, ये एक सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ अगर फर्स्ट टाइम इन सीजन हो जाए, ये मिडरिप है, इन सीजन होकर के क्या बना ले? नया लीफ ऐसे बना ले, क्या बना ले? ये लीफलेट बना ले, ठीक है, एक लीफलेट, एक पेयर ऐसे लीफलेट बना ले। ये लीफलेट बना लिया, तो लीफलेट बनाने के बाद इसे हम क्या कह सकते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फर्स्ट टाइम इंसीजन हुआ है, यानी इसमें अभी पहली बार ही इंसीजन हुआ है, इसके बारे में फर्स्ट इंसीजन, पहली कटिंग हुई है बस। अगर फर्दर इसमें कट हो जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरा मैं इसको बिगर कर रहा हूँ, ये एक लीफलेट है, अगर इसमें कटिंग हो जाए तो, यानी इसमें इस तरह का इंसीजन हो जाए तो सेकेंड टाइम होता है, सेकेंड टाइम हो जाएगा, ये सेकेंड टाइम इंसीजन हो जाएगा। तो ये जो अभी पहले बार देखा था आपने, पहले वाला वो तो हो गया पिन्नेटली का यूनिपिन्नेट, ये यूनिपिन्नेट का एग्जांपल है। लेकिन अगर फर्दर लीफलेट के अंदर, लीफलेट के अंदर डिवीजन हो जाए, कटिंग हो जाए, इनसाइज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ये बनेगा पिन्यूल। अब ये तो रैकिस है, लेकिन ये क्या है? ये रचीला है, रकीला। आपको ये ध्यान रखना होगा, इस तरह से अगर मान लो फर्दर मैं ये कहूँ, इसमें ये बड़ा करके देखूँ, इसमें भी हो जाए तो ये ट्राईपिन्नेट है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि यूनिपिन्नेट में पहली बार डिवीजन सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हुआ है। यूनिपिन्नेट व्हेन टर्मिनल लीफलेट, आपको यहाँ डायग्राम देखना होगा, व्हेन टर्मिनल लीफलेट इज अब्सेंट, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक लीफ है, ठीक। अब ये सिंपल लीफ था, ऐसे कुछ ऐसे था और ऐसे था, लेकिन ये इनसाइज होकर के क्या बना लिया है? इनसाइज होकर के मिडरिप पे ये कंपाउंड लीफ बन गया है। कंपाउंड का कौन सा लीफ है? सिंपल लीफ। लेकिन एक यहाँ पे बात लिखी हुई है, व्हेन टर्मिनल लीफलेट इज अब्सेंट। टर्मिनल लीफलेट का मतलब है यहाँ का जो लीफलेट है वो नहीं है। ये क्या है? टर्मिनल पोजिशन है, टर्मिनल लीफलेट अब्सेंट, ठीक। अगर टर्मिनल लीफलेट अब्सेंट है तो इसका मतलब इसमें नंबर जो होंगे इवन होंगे, क्योंकि यहां एक फॉर्म होगा तो ये इवन होंगे। देखो आप करके, ये एक पेयर, दो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कितने हुए टोटल लीफलेट? कितने हैं? 12 लीफलेट हैं, 12 लीफलेट,
ओके, तो इवन इन नंबर है, तो लीफलेट आर इवन नंबर्स, जैसे एग्जांपल में कैसिया एंड टर्मेंडस, टेमरिंडस, कैसिया और टेमरिंडस के अंदर जो लीफलेट होते हैं वो इवन इन नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या, ये जो टर्मिनल, जो टर्मिनल हमारा लीफलेट है वो अब्सेंट है, यहाँ पे जो लीफलेट है वो अब्सेंट है, लेकिन इम्पेरिपिनेट, तो इसे जब लीफलेट यानी इवन इन नंबर होगा, टर्मिनल अब्सेंट होगा, तो पेरिपिनेट कहलाएगा। किस टाइप का? पेरिपिनेट। यूनिपिनेट दो टाइप के होते हैं, फिर हम बात करेंगे यूनिपिनेट का मतलब एक टाइम डिवीजन हुआ है। अब देखो यहाँ पे बस एक ही बार तो डिवीजन हुआ है, अगर हम इमेजिन करके देखें ये अगर इस तरह से, तो एक ही बार तो इनसाइज हुआ है, बस वन टाइम कटिंग हुआ है, एक ही बार डिवीजन हुआ, अभी एक ही बार ब्रोकन डाउन हुआ है या डिस्टिंक्ट हुआ है या आप इनसाइज हुआ है या डिवाइड हुआ है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, एक ही बार टच हुआ है ये। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल अब्सेंट होने के वजह से ये क्या कहलाएगा? पेरिपिनेट कहलाएगा। तो पेरिपिनेट का डेफिनेशन कभी आए, पेरिपिनेट इज पार्ट ऑफ यूनिपिनेट, क्योंकि टर्मिनल लीफलेट अब्सेंट होता है जिसकी वजह से हम इसको पेरिपिनेट कहते हैं, एग्जांपल में कैसिया और टर्मेरिंडस होगा। लेकिन अगर इम्पेरिपिनेट है तो व्हेन टर्मिनल लीफलेट इज प्रेजेंट और यह ऑड इन नंबर होगा। सपोज करो ये लीफ है, एक बार इसमें भी डिविजन हुआ है इस तरह के, ऐसे करके, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, एक और बना लेते हैं 6, यहाँ 12 था, अभी कितना 13 होगा, 13 लीफलेट है, और 13 नंबर जो होता है लीफलेट, लीफलेट्स ये ऑड इन नंबर होता है, क्या है? ऑड है, ये 13, 15, 19, 17 ऐसे नंबर होंगे इनके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट, टर्मिनल लीफलेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्टार लगा रहा हूँ, इनमें इनमें ये डिफरेंस है, इसमें इसमें एग्जांपल इसमें रोज और नीम का है, नीम का जो टर्मिनल लीफलेट होता है वो प्रेजेंट होता है बट कैसिया का नहीं होता, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कि रोज का प्रेजेंट होता है लेकिन टेमरिंडस का नहीं होता, तो यूनिपिनेट के अंदर दो पार्ट है, पेरिपिनेट इम्पेरिपिनेट, तो पेरिपिनेट में टर्मिनल लीफलेट अब्सेंट है लेकिन इम्पेरिपिनेट में टर्मिनल प्रेजेंट है। हम बात करेंगे बाइपिनेट का, बाइपिनेट में टू टाइम इंसिजन हुआ है, तो हम देखेंगे कि एक डायग्राम को क्लियरली बना करके, ये एक सिंपल लीव था इस तरह का, इसमें डिवीजन पहली बार डिवीजन हुआ तो ये क्या बनाया, यूनिपिनेट है, ये है ना यूनिपिनेट, ठीक है, ये यूनिपिनेट का एग्जाम्पल है, ओके लेकिन अगर मैं यही कहूं कि एक बार और डिवीजन हो जाए सब में, इस साइड में सब में, जैसे सपोज करिए ये थोड़ा बड़ा करके देखेंगे हम, ठीक, तो ये जो ये वाला क्या था अभी, ये रैकिस कहला रहा था, रैकिस, ये कौन है, ये सब के सब लीफलेट है, लीफलेट्स, लेकिन मैं कह रहा हूं सेकेंड टाइम डिवीजन हुआ, यानी लीफलेट में डिवीजन हो रहा है, इनसाइज हो रहा है, तो अब लीफलेट में इनसाइज हो रहा तो कुछ इस तरह का होगा, आप समझ रहे होंगे, ये पूरा का पूरा इनसाइज हो गया, इनसाइज हो गया, तो जब इनसाइज हो गए तो ये दोनों के साइड में, तो अब ये सेकेंड डिवीजन, पहला तो ये हुआ फर्स्ट टाइम, अब फिर लीफलेट के अंदर भी हो गया इनसीजन, तो ये टू टाइम्स हो गए, तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर इनसीजन होता है, ये कंपाउंड लीफ का है, ठीक है, अब इधर भी देख सकते हैं सेम, ये रैकिस था, लीफलेट है, लीफलेट में अब ये जो यहाँ पे डिवीजन हो रहे हैं इस तरह के, ओके, तो ये सेकेंड टाइम डिवीजन हो रहा है, लीफलेट के अंदर हो रहा है, तो आपको देखना है कि ये फर्स्ट टाइम का डिवीजन ये है, लीफलेट बना फर्स्ट, सेकेंड लीफलेट के अंदर डिवीजन हो गया और डिवीजन हो गया, इनसाइज हो गया और क्या फॉर्म किया, अब ये बाइपिनेट है, क्या है, बाइपिनेट, आपको देखना है कि बाई मतलब टू टाइम्स इंसीजन हुआ है, यानी पहले लीफलेट बनाया फिर लीफलेट में भी इंसीजन हुआ, अब इसको क्या कहेंगे, एक सिंगल को, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, तो ये क्या होगा, पिन्यूल, क्या कहलाएगा, पिन्यूल, और इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, यहां वाला एक्सिस क्या है, यहां वाला एक्सिस क्या कहला रहा था, अब तो यहां पे दिखाना पड़ेगा, ये एक्सिस क्या था, ये रैकिस था, रैकिस, और ये एक्सिस जो कहलाएगा रचीला कहलाएगा, रचीला या रचेली, ओके, तो इस तरह का सबको करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये सेम ऐसे हो जाएंगे सारे के सारे, ये सब ऐसे हो जाएंगे, सबको डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ेगा, सिमिलर एकदम बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर, तो ये बाइपिनेट का एग्जाम्पल है, तो एक बाइपिनेट का कंप्लीटली एग्जाम्पल हम बना के देख लेते हैं,
तो एक ज्यादा नहीं, ठीक है? पहले देखो ये आपका ये सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ हो गया, सिंपल लीफ से वो डिवाइड होकर के क्या बना, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाया, ओके? फिर ये फर्दर ये डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हो गए यहाँ पे, तो सबको हम देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि अब फर्दर दो डिवीजन कर देते हैं, सीधा सीधा डायरेक्टली हम बनाते हैं उसको, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, ये बाइपिनेट का हो गया। यानी ये पहले क्या था, लिफलेट था, ये एक लिफलेट था कि नहीं, ये भी ऐसे ही सेम हम बना लेंगे, ठीक है? आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बना रहा हूं। ये सब के सब ये सेकेंड डिवीजन होने की वजह से ये आपको बाइपिनेट का एग्जाम्पल दिख रहा है, ये बाइपिनेट हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल होगा छुई मुई, यानी टच मी नॉट, टच मी नॉट, मीमोसा पुंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। ये एग्जाम्पल है बाइपिनेट का, बाइपिनेट, ओके? ये वाला एरिया बाइपिनेट है, ये पूरा ऊपर वाला है रीजन, ये यूनिपिनेट है, ये दोनों बाइपिनेट है। क्लियरली समझ में आ गया होगा? तो इसका एग्जाम्पल है, देखो, मिमिट्री प्रोड्यूसेस सेकेंडरी एक्सिस ब्रांच विच बियर पिन्यूल कॉल्ड रचिला। पिन्यूल, यहाँ पे अब ये वाला रीजन, ये वाला क्या है, लिफलेट है, लेकिन ये क्या है, पिन्यूल हो गए, ये रचिला और ये रैकिस, ठीक है? रैकिस, रचिला और रचिला पे पिन्यूल, क्योंकि लिफलेट कन्वर्टेड इंटू पिन्यूल एंड रैकिला के अंदर कन्वर्ट हो गया।